कई जगह पर रेड जोन बना चुका है। संक्रमण के प्रसार को मात देने के लिए सावधानी ही सुरक्षा और बचाव ही उपाय है। ऐसे में प्रदेश के हॉटस्पॉट बन चुके जिलों के डीएम और अधिकारी बार बार आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, लॉकडाउन का उल्लंघन न करने की अपील कर रहे हैं। बिहार में 29 जिलों तक कोरोना का संक्रमण फैला है। इनमें से कई जिले रेड जोन में हैं। राज्य में संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये जरूरी है कि बाहर से आए लोगों की स्क्रीनिंग हो, लोग अपनी ट्रेवल हिस्ट्री ना छुपाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मदद लें। अब तक कोरोना संक्रमण से दूर रहे पश्चिमी चंपारण में एक साथ 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन सख्ती तो बरत ही रहा है, साथ ही लोगों से महामारी को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस को पालन करने की अपील भी की जा रही है। जिले के डीएम कुंदन कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अफवाह न फैलाएं। कोई अफवाह न फैले, बस इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में बने रहना इस संक्रमण के फैलाव को रोकता है, इस संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय है। इसलिए मेरी अपील है कि आप लोग घरों में बने रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। भोजपुर जिले में भी लगातार कोरोना के मरीजों के मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जिलेवासियों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं, अगर उनमें जरा भी सिम्टम नजर आते हैं तो तुरंत पुलिस या चिकित्सक से संपर्क करें। जिलाधिकारी ने कहा कि लोग जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें। सभी वासियों को ये अपील है प्रशासन की तरफ से कि संक्रमण के समय में सब लोग अपने घरों में रहें, जब तक अति आवश्यक स्थिति न उत्पन्न हो तब तक अपने घरों से बाहर न निकले। प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। बेगूसराय में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 के पार पहुंच गई है। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया से जो गलत सूचनाएं मिलती हैं उससे बचें, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उस पर ध्यान दें, तभी बेगूसराय जिला कोरोना से मुक्त हो पाएगा। लॉकडाउन के प्रावधान है, किसी तरीके की अफवाह से, किसी तरीके की कोई भी गलत सूचना सोशल मीडिया से आपको मिलती है उसे दिग्भ्रमित ना हो। लॉकडाउन के संबंध में जो निर्देश हैं सभी प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा जो निर्गत किए जाते हैं आप लोगों को प्रशासन के द्वारा ही अवगत करा दिया जाएगा और पूर्व में भी अवगत कराते रहे हम लोग, तो उसके प्रावधानों का ही फॉलो करें आप लोग। मुंगेर के जमालपुर सदर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों में इस बीमारी से डर पैदा ना हो इसको लेकर मुंगेर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने मुंगेर की जनता से कोविड-19 को लेकर अपील की। खास तौर पर जमालपुर सदर बाजार वासियों से अपील की कि लॉकडाउन का वो पालन करें, चेहरे पर मास्क पहन कर रहें, इमरजेंसी हो तभी घरों से निकलें, अगर किसी प्रकार की जरूरत हो तो हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। मुंगेर की जनता से, विशेष रूप से जमालपुर की जनता से अनुरोध है कि कृपया सभी अपने घरों में रहें, घरों से बिल्कुल नहीं निकलें। लॉकडाउन का बेहतर अनुपालन करने के लिए हम लोगों ने सभी मुख्य सड़कों पर, गलियों पर बैरिकेडिंग किया है, ड्रॉप गेट्स लगाए हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इसका अनुपालन करें। यह आप सभी के भले के लिए है, हम सभी के भले के लिए है। उसका उल्लंघन यदि होता है तो वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ती है, जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कैमूर में भी कोरोना के मामलों ने तेजी दिखाई है। संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए कैमूर डीएम ने लोगों से अपील की है कि जो भी लोग बाहर से आए हैं वो सामने आकर हेल्थ टीम से अपनी जांच कराएं। साथ ही लोगों से मास्क लगाने, हर आधे घंटे पर साबुन से हाथ धोने, हाथों को सैनिटाइज करने और विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। सभी लोग मास्क लगाएं, आप प्रत्येक आधे घंटे पर साबुन पानी से हाथ धोएं और यदि साबुन पानी से हाथ धोने का मौका नहीं मिलता है तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, यत्र तत्र कहीं भी नहीं थूकें और विशेष परिस्थिति में ही कहीं बाहर निकलें। यदि कहीं बाहर जाते भी हैं तो कम से कम 1.5 मीटर की दूरी से ही वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें ताकि इस संक्रमण से बचाएं।
सासाराम में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और निवेदन किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका मुकम्मल बचाव है। जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला मिला है, उन इलाकों को सील कर दिया गया है। साथ ही लोगों से आग्रह किया गया है कि कोई भी उनके मोहल्ले में बाहर से आता है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें। कोरोना एक संक्रमित बीमारी है और उसकी वजह से स्प्रेड इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से लोग अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसका लगातार मॉनिटरिंग और लगातार प्रशासन के द्वारा सूचना लोगों को दी जा रही है। इसके साथ साथ लोगों को पॉजिटिव जहां पे भी केसेस आ रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी वजह से क्या दिक्कतें और परेशानी झेलना पड़ रहा है। इससे भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है और लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगर आप घर में सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकेंगे। गोपालगंज जिला भी कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन में शामिल है। यहां अब तक 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही जिले में कई कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। जिले के डीएम अरशद अजीज ने भी जिले के लोगों से इस बीमारी के बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को पालन करने का अनुरोध किया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की है। और हम लोग सभी चीज पर नियंत्रण रखे हुए हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं। अभी जो जरूरत है वो ये है कि लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको सख्ती से अनुपालन करें। उसमें अगर ढिलाई होगी, उसमें अगर लापरवाही करेंगे तो फिर खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका एक ही इलाज है। शुरू से कहा जा रहा है, सरकारें कर रही हैं, सब लोग कर रहे हैं कि एक ही इलाज है कि अलग रहें, आदमी एक दूसरे से अलग रहें, घर में रहें। सावधानी ही सुरक्षा और बचाव ही उपाय है। ऐसे में जरूरत है सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और शासन प्रशासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करने की, जिससे महामारी का ये दानव बिहार में अपनी माया ना पसार सके। ये रिपोर्ट जी मीडिया। कोरोना संक्रमण को लेकर देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ट्रेन, प्लेन, रेस्टोरेंट,